गुम है किसी के प्यार में, ऐश्वर्या शर्मा, आयशा सिंह, नील भट्ट और हर्षद अरोरा के क्विट करने के बाद इस एक्टर ने भी शो से लिया एग्जिट। रातों रात हुआ एक्टर का शो से एग्जिट। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गुम है किसी के प्यार में शो में जनरेशन लीप में दर्जनों एक्टर्स की शो से एग्जिट हो रही है। कुछ एक्टर्स खुद ब खुद इस शो को छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स को एज गैप के चलते जनरेशन लीप से निकाला जा रहा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, सैराट को लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियां हैं। आयशा सिंह और नील भट्ट भी इस शो को एग्जिट कर रहे हैं। हर्षद अरोरा भी शो को छोड़ने वाले हैं। ऐश्वर्या शर्मा जो कि पाखी का कैरेक्टर निभाती हैं, उन्होंने इस शो को एक महीने पहले ही छोड़ दिया था। फिलहाल के लिए ये तो थे वो बड़े एक्टर्स जो कि शो को क्विट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा नाम अब निकल के आ रहा है। मोहित चौहान का कैरेक्टर निभाने वाले विहान वर्मा इस शो से एग्जिट लेने वाले हैं। और अब एक्टर ने खुलकर बात किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया कि क्या वो बड़ी वजह थी जिसके चलते गुम से इस एक्टर को करना पड़ रहा है एग्जिट। हालांकि जनरेशन लीप के बाद भी मोहित चौहान का कैरेक्टर वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद क्या एक्टर इस शो में अब कंफर्टेबल नहीं है जिसके चलते वो शो को छोड़ रहे हैं। ऐसे में जब भी इनसे सवाल पूछा गया, एक्टर ने साफ किया कि देखो फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शो में 20 साल का जनरेशन लीप आ रहा है और मेरी 30 साल की एज है। अगर मैं 23 की एज में 30 साल का प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये आप साफ समझ सकते हैं कि मुझे 50 का दिखाया जाएगा और मैं फिलहाल के लिए एज एन एक्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ 50 साल की एज में ऑन स्क्रीन शेयर करूँ। यही वो बड़ी वजह है, मैं इस शो के साथ हमेशा ही दिल से जुड़ा रहूँगा। इस शो ने मुझे एक बड़ी पहचान दिया है, बड़ा मुकाम दिया है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए 50 ईयर्स का कैरेक्टर नहीं निभा सकता हूँ। यही वो बड़ी वजह है कि मुझे इस शो से दुखद एग्जिट लेना पड़ रहा है। मेकर्स चाहते हैं कि मैं अभी भी इस शो में बना रहूं, लेकिन ये मेरा निजी फैसला होगा और मैं इससे काफ़ी खुश हूं। गुम है किसी के प्यार में शो में जितना भी मुझे दिया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूं। आई होप सो कि मेकर्स भी मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मेकर्स को ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर आप एज एन एक्टर कम्फर्टेबल नहीं हो तो आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाओगे। ये बात कहते हुए विहान वर्मा इमोशनल भी हो गए। विहान ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों में अपने लास्ट शूट को कम्प्लीट कर लूँगा और शो से एग्जिट ले लूँगा। फिलहाल के लिए तो विहान वर्मा के इस कमेंट पे आपका क्या है ओपिनियन, विहान के एग्जिट पे आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।